माशाल्लाह जी टाइम हो गया तकरीबन सुबह के 7 बज चुके हैं। ठीक है, मैं जी हुने हुने उपर ना सारे बिस्तर वगैरह इकट्ठे करके ले आई। असल चीज उठ तो जल्दी गया सी, लेकिन ना उठ के फिर आ हुंदा भज के जाके बस ना मुँह हाथ धो लईए, क्योंकि उस टाइम ना मतलब अजीब जहा ही हो रहा हुंदा वा भी सुबह सुबह उठ के ना, तो फिर बस जल्दी जल्दी भज के मुँह हाथ धो, नमाज पढ़ो, कुरान पाक की तिलावत करो, क्योंकि टाइम भी बहुत थोड़ा रह जाता वा। इस वास्ते जरा भाई की नाम से सानू हो गई जी, तो अज थोड़ा जहा बिस्तर चकन च देर नहीं, अगे तो 6:30 तक मैं उठा देनी हूँ, अज देर हो गई क्योंकि फिर अज पापा जी भी सुते हुए ना, तो पापा ने उठाया, उठा के चारपाइया वगैरह कट्ठिया करके फिर पापा का बिस्तर उठाया, और सानू सारी देर हो गई। चलो जी हल्का फुल्का मैं लगता पानी आना शुरू हो गया, उधर वेखो चिक्कड़ वजन लग पाया वा, तो माशाल्लाह सुबह सुबह का टाइम बड़ा प्यारा व्यू आ रहा है। ठीक है, तो इधर सूरज का मंजर वेखो, सीधा साड़िया अखा च आके वजन दिया वा सूरज। इस कुड़ी पता नहीं की उत्ते जा, मेरिया ना लत्तां उत्ते चढ़ चढ़ के लथ लथ के बहुत ज्यादा दुखन दईया ने, तो हुण उत्ते चढ़ के वाला लफज ना बोलिया जाए। चलो जी कोई चीज वहानी फिर आप चलने भाई, आ मेरा चश्मा मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। ठीक है, तो बाकी जी माशाल्लाह सुबह सुबह टाइम मम्मा नाश्ता बना रही। ठीक है, मैं क्या मम्मा मैं आनी पी हाँ नाश्ता बनवा, तो मम्मा कहती कि पता नाश्ता पता असल से की नाश्ता, तो खाना शाना जो ना वो लाला तो मम्मा मिल के बना लेंगे, इस वास्ते जो ना फिर असं ऐश मारी दी है लाला और जो बना लेंगे फिर असं कहते चलो लो ना खाना तो बन गया हूँ की अभी करना। हाँ जी किधर है गई आना आमना आमना ते कित्थे रुकी सी तू, की बहाना सी? वेहला वेखियां साड़ियां डबल सीढ़ियां बन गया, हुण किसे नूं चैन नहीं आया करना, ते ए मुंडा चंगा भला हो गया ते दरस फिर भी नहीं जांदा, जान के साडा दिमाग खांदा है। पापी मेरी टोपी लग गई, मैं नाश्ते तो बाद जाना सैन को टोपी मेरी हैं, बस मैं तैनूं आ बहाने चलो तू इन वास्ते मैं थे हम मैं चक के थले लैके चल, नमूना यार आवेदा कर दी की है। तो बाकी जी हूँ जो है ना वेखो मम्मा ने माशाल्लाह कनालियाँ पानी पा के रखा वा। ठीक है, जरा ना पापा पानी पीते ने परिंदे थोड़ा बहुत पावा पीते हैं, तो वेखो पौड़ियाँ चढ़न लथन वारी सारे ठीक ने, तो पढ़ने वाली दरस जाने वाली सारे बीमार ने। ठीक है, चलो हम भाई आप चलिए नीचे जाके मम्मा को पूछिए भी कोई खाना शाना मतलब चाय शाय बनाइए, जाहिर जी वाले रोटियां ही मम्मा दे लाला मिलकर बना रहे, चाय चुए तो असं भी खुद ही बनानी है ना, तो जावा हम मम्मा को पूछा की काम करना है, जो पापा ने भी मशा काम से जाना है। ठीक है, तो पापा भी शावर वगैरह कर रहे हैं, तो टाइमो टाइम रेडी होने वाले बनन। चलो जी हुण जिहड़ा ना वेखो माशाल्लाह मम्मा रोटियां बना रहे हैं। ठीक है, तो इधर वेखो आमना बाजी ने की मजाल है इस कुड़ी नूं चैन होवे, ते आ वेखो जी ए साडे हाफिज साहब वी आ गए ने। वालेकुम सलाम। वालेकुम क्या वालेकुम अस्सलाम। तू तू ना आवाज आवी तेनू और मैं आके इत्थों धक्का देना थले।
ਮਮਾ ਜੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਹਰਕਤਬਾਜ਼ ਬੱਚੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਕੁੜੀ ਜੇ ਸਹੀ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਹੋਰ ਮੰਮਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਾਪਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕ ਰੋਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜੀ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਮੰਮਾ ਨੇ ਝਿੜਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਆਹ ਦਰਸ ਜਾਣ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਨਿੱਕੀ ਡਿੰਗੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਟੋਪੀ ਨਹੀਂ ਆਸੀ ਮੈਂ ਮਦਰਸੇ ਗਿਆ ਘਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਸੀ ਗਰਮ ਗਰਮ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਟੋਪੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਘਰ ਸਾਹਿਬ तू कहना सी कारी साहब जी मुझे बुखार था तो मैं हूँ उठिया वा तो मेरी तबीयत पूरा सट लगी तो मैं सोचा भी मैं दरस पूरा पढ़िया वा तो इन्ने ना कारी ने भी खुश हो जाना सी बाल नू पढ़ाई का शौक है गया उनकी तबीयत पूरा सही हुई तो भज के आ गया दरस ते पर नहीं आपां शौक ही नहीं है जो तो फिर नहीं असल च ना बाहर होया सी ना हुण दो दिन ना जाके तो हुण जाहिर जी गल है हुण एक बार तो मुश्किल होगी जैसे छुट्टियां करने तो बाद आपां नू मुश्किल हुंदी हुण हुण इन्हें भी होगी तो भाई हुण जिहड़ा ना आपां जल्दी जल्दी मम्मा दे नाल दो चार चलो जी माशाल्लाह जी नाश्ता बन गया वा ठीक है ते जी मम्मा ने ओ अंडे मंगवा लेने अंडे मैं फेंट के ले आई हूँ हूँ इन्हें बारे च लड़ाई होने लग पी फला रोटी मैं लैनी तो फला रोटी मैं लैनी ए बहुत गंदी आदत इन्हें बालों की ए वेख के रोटियां फरोल के बिचो रोटी कट दे आदत ए जैसे कि तुम हम सीन वेख सकते वेखो मतलब बहाना वेखो कि सोना लाते भी असं रोटियां सीधिया कर दे ठीक है तो बिचो रोटी फरोल रहा होंगे ने कि रोटी सही है पता नहीं की खाना है पता केड़े बहाने जे मेनू कोई बंद बूंद कोई उबले चावल एवं दी चीजा खवाने तेन रुक जा तेरा टेंशन ना लै मेरा भरा तू चलो जी हम टाइम हो गया करीबन 11 बज चुके ने ठीक है मम्मा और सो गए ने क्योंकि जो सुबह मम्मा ना काफी जल्दी उठ जाने नमी ते इस वास्ते मैं क्या भी चलो मम्मा तो सुते हुए ने असल जना मिस्त्रियां नू दई दी 10 बजे चाह ते मैनू ना चेता भुल गया सी मैनू हालांकि मम्मा कह के सुते सी कि बेटा चाय दे दी जा वेखो जी हुण मैं चाय बना रही हां 11 बज गए ने ते हुण चाय बना रही हां असल जना मतलब मैनू याद भुल गया जे मैनू याद हुंदा ना ते मैं कदों की बना के भेज दी होनी सी भी जैन हुसैन हुने आए ने तो वह ना आँदे सिधर सीधा उधर गए तो मेरे चेताया आए हाए मिस्त्रियों की चाय तो बनाई नहीं है ठीक है तो मेरे हिसाब से भी अज जुमा हुआ तो जुमे वाले दिन कड़ा मिस्त्रियों दिन है तो इस वास्ते ना कि नाम सी थोड़ा जहा हो गया तो इस भाई की हूँ जरा चाय शाय बनाइए चाय बना के तो फिर फटाफट ना चाय भेजिए सब तो पहला काम मतलब आ करना सी ते मैं असल च ना मोबाइल ते लागी फिर कोई वीडियो शीडियोस अपलोड करनी सी आ सारा काम कुम करना सी इस वास्ते ते नाल भाई पढ़ना भी तो जरूरी है ना तो फिर थोड़ी देर पढ़िया भी ते इस वास्ते ते हुण मैं लभ रही हूँ जी साड़ी ना छोटी वाइट ट्रे आ जिंदे च ना मतलब दो तीन कप रखने हो तो आ जाते तो बड़िया बड़िया ट्रेवा चाह हूँ फिर कि ना दो कप वे ट्रे चाहना भेजने ए खुशी ए वाइट ट्रे आ कप वगैरह रखिए एक ना इन्ह चो कप टुटा हो धो के लियाव कपा लगता तुरता ना बिलकुल कंजूसी ना पानी ऐ वेखो ना इतों बोडा है तो गंदे कप से बोडे कप से चाह नहीं देगी ठीक है चलो जी सब तो पहले इन्होंने वॉश करके देिए नैक्सट अगे वेखना ठीक है चलो जी हूँ मैं जी चाय बना ली है ठीक है तो यह हूँ वेखो जी मैं कप से चाय ऐड कर रही हूँ तो मैं मार रही हूँ जी गदीलियाँ ठीक है इधर वेखो ट्रे का हाल कप मैं हले हूँ तो पहले आई सी ट्रे विद ठीक है तो यह जी मगे चीज जी मम्मा वास्ते चाय डालनी दो कप चाय बनानी सी बट सुबह वाली चाय पी सी ठीक है तो मेरे भाइय ने कहा कि सानू चाय तू फटाफट गर्म कर दे मैं चलो लियाओ मिक्स करके बासी ताजी चाह रली मिली तुम दाँगा ठीक है तो जी हूँ जरा चाय ऐड कर रही हूँ हले मैं समझ नहीं आ रही असल च ना असी जिमें आप नहीं कप लुद्ध 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 के असी की रही ना उमें सारा कुछ कर दी है तो लो जी हूँ चाय ऐड करिए जल्दी जल्दी चलो जी हम चाय ऐड कर ली हूँ ना सब तो पहले ट्रे धो के लिए ठीक है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अल्लाह खैर
मैं ट्रे बाद चो इस वास्ते धोन जा रही क्योंकि बाद चो भी गंद ही बजना वा ट्रे धो के बाद चो कप विच रखना है। चलो जी ट्रे वॉश करके ले आई हूँ हूँ जी विच रखने जी चाय। ठीक है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हूँ जी सब तो पहले जैनू बुला के लिया जैनू कहने जल्दी जल्दी मेरा भरा आ चाय दे के आवे। चलो जी हूँ हुसैन कह रहे हैं कि मैं चाय दे के आना वा। ठीक है तो मैं जी आ बाकी बची हुई चाय ना भर के जरा ना मग्गा रख देव क्योंकि मैं आना जो लोग ने मेरे भरा लोग ने बहुत तंग करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह खैर करे या अल्लाह खैर जे एक कतरा भी डुलगी तो सीधा ट्रेज जानी तो इज्जत शर्मा तेरे अच्छे ने। आलो जी चाय आ एक्स्ट्रा बच गई मेरे वास्ते वाह नाइस। लो जी हुसैन आ गया वा। चलो जी फड़ो सुबह पी के नहीं मग्गा भरिया हो चाय है वह ताड़ी चाय है मम्मा वास्ते नहीं मम्मा ने चाय पी ली सी सुबह आड़ी ही है चाय। चलो भज के देख आ जल्दी तो फिर तुम्हें भी चाय देव। चलो जी हूँ जरा ना माशाला चाय दे आंती है तो हूँ भाई जैन वेखो जी अज ही दरस गया तो हूँ फिर एवें हो गया है जिमें पता नहीं इनू सदियाँ तो बीमार वेखो जी हूँ चाय दे उपर चावल खा रहा है तू जड़ा ना तू बाद आ जा चलो जी है हूँ हुसैन भाई भी कह रहे हैं भी मैं भी उबले चावल खाने बनाए से पापा वास्ते सी ते मोह जिन्ना बारह दी लगी हुई हाँ तो ये चाय जी मम्मा के लिए ले आती है पर मम्मा जी पी लो दो घुट है ने नहीं वो फिर अगर ऐसे करना उनके को है फिर एवं करने मैं तो आना इन्नी कुछ इन्नी कुछ चाय तो असी दो इन्नी चावल पा लें चलो जी होना पहले गए पढ़न ठीक है सब तो पहला जल्दी 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 जरा ना पढ़ लिया जल्दी जल्दी बस अद्धा को घंटा बस पढ़ना ज्यादा नहीं पढ़ना जल्दी कर लीजिए वाकई मम्मा आज आप कपड़े धोइए मशीन लाने नहीं मम्मा मशीन ला के आप पंजा मिनट सारे कपड़े धो गए हैं वेलिया टका टका जोड़ के मैं एसी लिया मैं पूरा महीना रज के एसी चलाया बिल इना आया मैं एसी बेची बिल मम्मा फिर अपने नाल भी होवे ना लो लाइट ही चली मशीन सही है ते बाकी जी ओना नेरा हो गया ते ओने ना लाइटा लूटा बैल दिया चला के ते आपा पढ़ना है मम्मा जी ओही नहीं रहन दे तुसी मैं क्या सी मशीन ते धोने मशीन ना चलो जो तो मशीन आवेगी मतलब लाइट आवेगी तो मशीन चला चलो जाके मम्मा कपड़े धवाइए एट लास्ट जी हूँ ना साडा इरादा बनया वा कपड़े धोन का असल जो ललत आ गई सी ते फिर जी मम्मा ना भाइयों को सुना लग पी क्योंकि आ मुंडे एडे टीट ने जो तक इन्होंने मम्मा अल्लाह 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 वो करके समावे ना दोवें जने नहीं सुनते ऐ वेखो आ हूँ दोवें जने सो गए तो आम ना दी ना जुत्ती गुम हो गई एक पैर गुम हो गया वा वो घर ही गुम हो गया मतलब लभन ही नहीं पाया अजीब सीन ते इधर वेखो जेन लै गया ऐ वेखो आपा आपदा उन्नी देर च कम लिख लिया ते मेरी राइटिंग वेख के तुसी हसना ही है भाई ते डोंट माइंड एवें दी गंदी राइटिंग है अपनी है जेनू ही अपने दुश्मन बन गया चलो पुत्र चंगी गल बेस्ती की जरूरत नहीं फटाफट
ਲੋਕ ਚ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤੇ ਜਨ ਜੁੱਤੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਨਾ ਪਈ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਪਈ ਹੈ ਕੋ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਆ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਕਾ ਦੇਖੋ ਵੇਹਲਾ ਤੂੰ ਪਾਪਾ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਪਾ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਕਲ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਮਾ ਵਾਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗਏ ਲੇਟਰ ਹੁਣ ਆਮਨਾ ਤੇ ਅਸ਼ਾ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਲੈ ਆ ਕੇ ਦੇ ਜਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਐਸੇ ਧੋਤੀ ਹੂੰ ਮਮਾ ਤੇ ਭੈਣੇ ਭੈਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਐਸੇ ਹੀ ਧੋਤੀ ਹੈ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਆਪੇ ਜਾ चलो जी हुण जिहड़ा ना अल्लाह दा शुक्र कपड़े धो के वेले हो गए साडी मम्मा ने सानू इन्नियां झिड़कां दित्तियां ना हुण इन्नियां झिड़कां भी तुहानू असीं दस नहीं सकदे क्योंकि असीं हरकतां ही उवें दीआं कीतियां असीं दोवां पैरां ने आपदे सारे कपड़े गिले कर लै इन्नी गर्मी पर ना हल्की हल्की हवा चलन दी ते मैं बाहर आई ते मैनू हुण सर्दी लगन दी क्योंकि मैं जदों कपड़े ही सारे गिले कर लै तुसीं भी कहना किड्डे मैंटल बंदे आ असीं भी सानू सर्दी लगन दी क्योंकि भाई साडे टैंक च पानी ठंडा सी इस वास्ते सर्दी लगन दी भाई इस वास्ते भाई सानू लगन दी सर्दी दी आ वेखो जी आ भाई इहदा सूट इह ज़ैन दा इक सूट सोता वा इह जी ਜੈਨ ਦਾ ਸਾਫਾ ਸੀ ਚੱਦਰ ਆਮਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਟ ਮਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਟ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੂਟ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬਸ ਹੋਰ ਕੀ ਸੀ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸੂਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੱਦਰ ਧੋਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਲਾਇਆ ਵਾ ਡੇਢ ਘੰਟੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਧੋਤੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਐਸੇ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਤੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਅਤੇ ਖੈਰ ਨਾ ਐਟ ਲਾਸਟ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਸੁਕਣੇ ਸੁਕਣੇ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਅੱਜ ਜੀ ਸਾਲਨ ਪੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਾਲ ਆਏ ਹਾਏ ਡੇਲੀ ਦਾਲ ਪੱਕਣੀ ਹੈ ਡੇਲੀ ਦਾਲ ਹੀ ਪੱਕਣੀ ਹੈ ਲੈ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ ਅਤੇ ਜੀ ਹਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਦਾਲ ਮਕਾਈਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਦਾਲ ਪੱਕ ਗਈ ਅਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਵੇਖਣੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੰਮਾ ਅੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧੋਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਧੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੱਝ ਧੋਣ ਧੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸਤਰੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਪਰ ਜੇ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਦੂਸਰਾ ਧੋਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਇਸਤਰੀ ਤਾਂ ਮੰਮਾ ਲਾਉਣੀ ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬਗੈਰ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਉਣਗੇ ਜ਼ੈਨ ਸਹਿਰੂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਛੰਡ ਕੇ ਪਾਇਆ ਕਰ ਕੱਪੜੇ ਆਪੇ ਵੱਟ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਆਪੇ ਇਸਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣਗੇ ਹੁਣ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਕਰਨੇ ਹੋਏ ਆਪਦੇ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਕਰੇਗਾ ਮੰਮਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੂਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੱਟ ਰੈਸਟ ਰੁਸਟ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾਲ ਹੀ 3 hours later ਚਲੋ ਜੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾ ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕੋਈ 6 ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਟਿਊਸ਼ਨੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਨਾ ਵਾਵਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਤੀ ਜੀ ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬ੍ਰਿਜ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਜੀ ਗੋ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਬੀਕੋਜ਼ ਅੱਜ ਆਏ ਸੀ ਜੀ ਪੇਂਟ ਵਾਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਆਹ ਜੀ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੈ मतलब अपलाई करके सानू जिवें आपां कोई नवी फेस लई ते अपलाई नहीं करी दी फेस ते पहले उन्होंने दीवार ते लाया फिर खराब लगा उन्होंने उतारता ਸਹੀ 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 ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਗਿਆ ਨੇ ਅਤੇ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਆਹ ਗੋ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਮਿਸਤਰੀ ਛੱਤ ਪਲਸਤਰ ਕਰ ਗਿਆ ਨੇ ਉੱਧਰ ਆਇਆ ਸਾਈਡ ਆ ਗਈ ਸਾਰੀ ਛੱਤ ਪਲਸਤਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਆਹ ਵੇਖੋ ਕਾਹਦੇ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ ਅਗਰ ਉਹ ਆਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਉਹ ਛੱਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਪਲਸਤਰ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ ਆਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸਰ ਅਤੇ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਜ਼ਰਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ
ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲੰਘਣਾ ਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਮੋਏ ਮੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਸਿਰ ਹੈਂ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਛੱਤ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਾ ਕੇ ਮੰਜੀਆਂ ਛੰਜੀਆਂ ਡਾਹਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੰਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਧਵਾਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਬੁਆਹ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਖਲੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਲਓ ਜੀ ਹਾਂ ਧੋਤੇ ਸੀ ਆਮਨਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦਿਆਂ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਹੁਣ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਮੰਮਾ ਆਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਅੱਛਾ ਗੋਹ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਹ ਵੀ ਭਰਾ ਦੋਵੇਂ ਡੰਡੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਸੀੜੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਨੇ ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਸਹੀ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਗਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਨਾ ਮੰਮਾ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਫਿੱਕੀ ਜੀ ਵਾਸ 'ਚ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਛੱਤ ਬਹੁਤੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੇ ਚਾਰ 'ਚ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੱਤ ਚੜ੍ਹਨੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਾਪਾ ਪਰਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਦੇ ਪਰਦੇ ਕਰਵਾ ਲੈਣੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਛੱਤ 'ਤੇ ਜਾਏ ਮੰਮਾ ਚਲੇ ਜਾਏ ਮੰਮਾ ਸਿਰਫ ਹਮਨੇ ਤਿੰਨ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਬਸ 3 ਮਿੰਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਮੰਮਾ ਗਿਣਤੀ ਕੇ 3 ਮਿੰਟ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਟਸ ਓਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਮਾ ਮੰਮਾ ਕੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ ਮੰਮਾ ਜਾਨੀ ਮੰਮਾ ਜਾਨੀ ਲੈ ਭਈਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਲਓ ਜੀ ਹੈ ਕਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਨੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਮੈਂ ਧੋ ਲਓ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੰਜੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਡਾਹ ਕੇ ਮੰਮਾ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੱਗੀ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਸਫਾਈ ਮੰਮਾ ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾ ਜਾਣ ਛੱਡ ਚਲੋ ਜੀ ਮੰਮਾ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਮੰਮਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਮਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਮਾ ਜੀ ਖੈਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਸੀ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹੀ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਫੜ ਛਿੱਤਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਪੂਰੇ ਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਲਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਓ ਜੀ ਆਹੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ ਮੰਮਾ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈਏ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਮੇਕਅਪ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਇੱਟਾਂ ਉੱਟਾਂ ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆਇਸ਼ਾ ਚੱਕੇ ਵਾਹ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਸਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹਰ ਕੰਮ ਮੇਕਅਪ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂਜੀ ਮੰਮਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਆਪ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਟੇ ਮੁੰਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੋ ਉਠਾਉਂ ਤੋੜ ਕੇ ਨਿੱਕੇ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸੁਬਹਾ ਕਰਾਂਗੀ ਮੰਮਾ ਪੱਕਾ ਵਾ ਤਾਂ ਸੁਬਹਾ ਉੱਤੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਠੀਕ ਮੰਮਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਫਟੇ ਯੇ ਵੋ ਐਨ ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ ਬਟ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਿਊ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਜੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਿਊ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਗਾਉਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਸੀਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉੱਧਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਗਰਾਊਂਡ ਸ਼ਰਾਊਂਡ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਕੂਲ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਹਾਂ ਆਹ ਸਕੂਲ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੱਤ 'ਤੇ ਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਛੱਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਮੰਮਾ ਜੀ ਇਸ ਛੱਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਛਾਤੀ ਪੈਂਦੀ ਐਡਾ ਅਜੀਬ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਗਾਉਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਵੇਖ ਲਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਚੱਲੀ ਥੱਲੋ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਵਲੌਗਿੰਗ ਕਰਨਾ ਛੱਤ ਲੋਕੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਸਾਰੇ ਇੰਝ ਵੇਖਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਦਈ ਹਾਂ ਮੰਮਾ ਜੀ ਉਹ ਨਾ ਬੰਦਾ ਨਰਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੈ ਲਓ ਘਰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਾਈਏ ਲਈ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ
दोबारा ऊपर आ गया, पहले तो आप ही चले चले गई थे, दोबारा ऊपर आ गया, आई चल तो बहुत ही शर्म आई जा रही। मेरी मामा मैंने समझा रही होती, जब आप सब तो ऊपर आ जाते पर्दे करा ले, छोटे छोटे आप पर्दे करा लेने, फिर जो ब्लॉगिंग करे नहीं वो तो तेरा की आ रहा है मतलब ना थोड़ी कंफ्यूज नहीं, वो मतलब ओना मैं कंफ्यूज हो नहीं हो रही, जब मतलब बंदा पब्लिक से भी कर लेता, पर लेकिन ना मैं इतने होने इस वास्ते कंफ्यूज हो रही हूँ क्योंकि गाँव के लोग वेखंद ने ना जो जानने वाले ने, इस वास्ते मैं थोड़ी ना अगे कारी साहब वेखने मतलब बंदा सारी जी गल है, इन्नी कुछ शर्म आती है ना। चलो मैं तुम्हें खेत का सीन बहाने वेखो, देखो जी खेतां दा सीन तुहानूं दिखा दईए, शाम दा सीन अज कोई स्पेशल नहीं है, ग्राउंड च बच्चे खेल लैने, ग्राउंड दा सीन सैन बहुत प्यारा आ रहा है, सामने बैल पट्ठे खा रहे, वेखो बच्चे खेल रहे फुटबॉल, साढ़े गांव दे तुसी मंजर वेख वेख के हैरान हो परेशान रहो, मैं छाते बैठी लोग निके निके बाल ना खेलन दई तू भी बच्चा दे नाल बच्ची भरी होई है, बच्ची भरी होई है, मजा आंदा जा छत्ते खड़े होके दूजे घर घर च गल्ला करंदा, गल्ला करंदा ते मजा आंदा जदों व्लॉग बना के कंफ्यूजन होंदी ओदा। चलो जी माशाल्लाह माशाल्लाह मगरिब दी अज़ानां हो गईयां, हुण भाई मगरिब दी नमाज़ दा करिए, भाई चले गए दरस ठीक है, ते हुण काफी टाइम हो गया, नाले अज मम्मा जल्दी नहीं मेरा हो गया, हाँ अल्लाह ही खैर करे बारिश ना आवे, साड़ा तो एक ही ठिकाना है ठीक है, नहीं आ गई थले आवाज़ा आन दई असं, हाँ आ गई तो की नाम से हूँ भाई, हाँ जी हाँ जी, तो भाई ना मगरब की आसान होगी, हूँ भाई जल्दी जल्दी नमाज़ दा करिए, तो उस तो बाद अगे वेखने फिर की करना, उस तो बाद की करना, रोटी शोटी खानी है, तो चलो ठीक है फिर तुम वीडियो लाइक करो शेयर करो तो कमेंट करके दसो भी की नाम से तुम्हें साड़ी छत का व्यू कैसा लगा ठीक है, तो जी जल्द तक मैं चैनल सबसक्राइब नहीं किया अच्छे अच्छे तो करो, चलो ठीक है फिर हाफिज़।